दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके और मेरे चैनल फ्लाई विद क्रिश में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स की जो सिर्फ खरबों पतियों के पास ही हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में बात हम करेंगे वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव स्मार्टफोन्स की, तो वीडियो में आने वाला है बहुत मजा, तो एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो का शुभारंभ। अमीरों में फोन रैम प्रोसेसर स्पीड से नहीं बल्कि उस फोन में कितने डायमंड्स लगे हैं, कितनी रूबीज लगी है और कितना सोना लगा है, इस चीज से देखा जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा पांच ऐसे स्मार्टफोन्स जो है बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव, मतलब इसके बारे में सोचना भी पाप है। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि आईफोन ही सबसे महंगे स्मार्टफोन्स निकालता है और 1-1.5 लाख के फ़ोन एक्चुअल में एक्सपेंसिव फोन्स कहलाते हैं, तो भैया एक्सपेंसिव होता क्या है वो मैं आपको अब बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहला स्मार्टफोन है डायमंड क्रिप्टो स्मार्टफोन। जी हाँ दोस्तों, ये फ़ोन बनाया है रशियन कंपनी JNC एनकॉट ने कोलैबोरेट करके एक ऑस्ट्रियन ज्वेलर पीटर अलायसन के साथ। अब दोस्तों इस फोन की प्राइस अगर आप सुनेंगे तो शायद आपको चक्कर आ जाए, क्योंकि दोस्तों इस फोन का प्राइस है 9.5 करोड़। 9.5 करोड़, जी हाँ दोस्तों, 1-2 लाख नहीं बल्कि 9.5 करोड़ का ये फोन है। और इसके महंगे होने की वजह इसके नाम में ही छुपी है, जो कि है डायमंड क्रिप्टो। मतलब दोस्तों ये फोन फुल एंड फुल डायमंड स्टडेड फोन है, जैसे कि आपने पिक्चर्स में देख ही लिया होगा। और डायमंड स्टडेड होने के साथ साथ दोस्तों इसमें बहुत ही हाई लेवल की इंक्रिप्शन लगी है, मतलब ये एक फुली सिक्योर्ड फोन है जिसमें हैकिंग करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, या कह लीजिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब दोस्तों इस फोन की लुक की बात करें तो ये फोन आपको लगेगा नोकिया E51 जैसा, पर इसमें लगेगा 50 डायमंड्स इसकी एज पे, जिसमें से दोस्तों जो टॉप 5 डायमंड्स हैं वो ब्लू कलर के डायमंड हैं। और दोस्तों जो इसकी साइड में लगी है वो है मैकेसर इबोनी वुड, जो काफ़ी प्रीमियम वुड में आती है। और दोस्तों ये फ़ोन बेसिकली बनाया गया था रशियन के जो टॉप लेवल ऑफिशियल्स हैं उनके लिए, जिनके लिए सिक्योरिटी रीज़न बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो ये फ़ोन प्रीमियम क्लासी और डायमंड स्टडेड होने के साथ साथ हाई क्लास सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। कीमत तो आप सबको मैंने बता दी, 9.5 करोड़। अब दोस्तों अगला फोन जो आता है सबसे महंगे फोनों की लिस्ट में, वो है गोल्ड विश लव मिलियन। जी हाँ दोस्तों, इस फोन की प्राइस है तकरीबन 7.5 से 8 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, ये फोन बनाया गया है एक स्विस की अल्ट्रा लग्जरी कंपनी गोल्ड विश के द्वारा ही। और इस फोन की खास बात यह है कि ये आता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के टॉप मोस्ट एक्सपेंसिव फोन की लिस्ट में। दोस्तों इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था 2006 में, और ये अभी तक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की लिस्ट में अपना नाम बनाया हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि इस फोन के सिर्फ 3 पीसेस बने थे, मतलब ये था एक लिमिटेड एडिशन फोन विद लिमिट अप टू ओनली 3 पीसेस। दोस्तों इस फोन में आपको मिलता है 18 कैरेट गोल्ड की फुल बॉडी, और इसके बैक पे आपको मिलता है एक जेन्युइन रेयर लेदर लगा हुआ। और साथ ही साथ दोस्तों इस फोन में आपको मिलेंगे तकरीबन 1,20,000 डायमंड स्टडेड ऑल ओवर द फोन, मतलब पूरे फोन में तकरीबन 1,20,000 डायमंड लगे हुए हैं। तो भैया 7.5 करोड़ में ये फ़ोन सिर्फ टॉप लेवल, या कह लीजिए अल्ट्रा टॉप लेवल फैमिलीज ही खरीद सकती हैं। अब दोस्तों तीसरा फ़ोन जो दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव फ़ोन है वो है ग्रेसो लग्जर लास वेगास जैकपॉट। जी हाँ दोस्तों, जैसे इन फोन्स के नाम हैं, जो मुझे लेने में भी हो रही है काफ़ी मुश्किल, खरीदना तो भैया दूर की बात है। दोस्तों इस फोन की प्राइस की बात करें तो 7 करोड़ रुपए का ये आपको फोन मिलता है। और जो इससे पहले मैंने आपको फोन बताया था गोल्ड विश लव मिलियन की तरह है, इसके भी सिर्फ 3 पीसेस ही बने थे, मतलब ये भी एक लिमिटेड एडिशन फोन ही बनाया गया था। अब दोस्तों इस फोन की खासियत की बात करें तो इसमें लगे हैं ब्लैक डायमंड्स, जो कि है 45.5 कैरेट के। और दोस्तों जो इस फोन का एंटायर फ्रेम है, मतलब जिस फ्रेम पे ये फोन बनाया गया है, वो है 180 ग्राम्स गोल्ड का। साथ ही साथ दोस्तों इसके बैक पे लगी है 200 इयर्स एज्ड, मतलब 200 साल पुरानी अफ्रीकन ब्लैक वुड, जिसे काफी रेयर और जेन्युइन पाया जाता है।
सिर्फ ये ही नहीं, और सुनिए, इसमें जो बटन्स हैं, मतलब जो बटन्स हम प्रेस करते हैं, वो सैफायर से बने हैं और एक एक बटन को प्रॉपरली पॉलिश किया गया है और लेज़र की मदद से इसे काफ़ी ज़्यादा डिटेल रखा गया है। दोस्तों जो सैफायर इसमें लगा है वो है 32 कैरेट्स का। तो भैया अगर इतना डायमंड और गोल्ड और सैफायर फ़ोन में लगा होगा तो कीमत तो इतनी होना ऑब्वियस है। तो अगर आपके पास 7 करोड़ फालतू पड़े हैं तो आप ये फ़ोन देख सकते हैं। अब दोस्तों चौथा सबसे एक्सपेंसिव फ़ोन जो आपको इस पूरे अर्थ प्लैनेट में मिलेगा वो है स्टुअर्ट यूगिस का iPhone 4S एलीट गोल्ड। जी हाँ दोस्तों, इस फ़ोन की कीमत है तकरीबन 55 करोड़। 55, बिल्कुल सही सुना आपने, 55 करोड़ का ये फ़ोन है, जो कि नाम से आपको लगता होगा iPhone 4S है, जो वैसे आपको 10-15 हज़ार में मिल जाएगा या शायद मिलना भी मुश्किल होगा, पर ये फ़ोन iPhone 4S होने के बावजूद आपको मिलेगा 55 से 56 करोड़ रुपए का। पर दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया, इन फ़ोन्स में ये नहीं देखा जाता कि इसमें स्पीड क्या है, फ़ोन कौन सा है, प्रोसेसर क्या है, इसमें देखा जाता है कि इसमें कौन सा डायमंड, रूबी, सैफायर, गोल्ड और कितना डायमंड और गोल्ड लगा है। अब दोस्तों बात करें इस फ़ोन की, तो ये फ़ोन बाकियों से है थोड़ा हटके। जी हाँ दोस्तों, 56 करोड़ की कीमत के लिए इसमें गोल्ड डायमंड जो है वो बहुत छोटी चीज़ है। इसमें लगी है डायनासोर की हड्डियाँ। जी हाँ दोस्तों, डायनासोर की हड्डियों के मिश्रण से ये फ़ोन तैयार किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये फ़ोन बनाया गया है सॉलिड प्लैटिनम और टीरेक्स की बोन की हड्डियों के मिश्रण के साथ। टीरेक्स दोस्तों एक डायनासोर है, आप सभी जानते होंगे, ये डायनासोर सबसे खतरनाक डायनासोर माना जाता था। पर दोस्तों क्या उस टाइम टीरेक्स को भी पता होगा कि एक दिन उसकी हड्डियों से आईफोन बनेंगे? आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों इस फ़ोन में लगे हैं बहुत ही प्रेशियस स्टोन्स, जैसे कि ओपल, पीटरसाइट, शेरोइट, रूटाइल क्वार्ट्स एंड सैंड सनस्टोन। तो भैया ये सभी फीचर इस iPhone 4S को बनाते हैं एक महंगा, अल्ट्रा महंगा, अल्ट्रा महंगा स्मार्टफोन, जिसकी कीमत है 55 करोड़ यानी 55 करोड़ रुपीज़। अब दोस्तों पांचवा फ़ोन जो इस लिस्ट का सबसे महंगा फ़ोन है और जिसका प्राइस आप सुन के शायद आपके कानों में से खून आ जाए या कान फट जाए या आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाए। जी हाँ दोस्तों, वो फ़ोन है फैल्कन सुपरनोवा आईफोन 6 पिंक डायमंड। जी हाँ दोस्तों, इस फ़ोन की प्राइस बताने में भी मुझे हो रही है तकलीफ, क्योंकि इस फ़ोन की प्राइस है 350 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, 350 करोड़ का ये आईफोन 6, जो कि आपको अपने सभी सेकेंड हैंड मार्केट में 15 से 20 हज़ार रुपए का आईफोन 6 मिल जाएगा, शायद 10 हज़ार का भी मिल जाए, पर ये अगर आप आईफोन 6 लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको देनी पड़ेगी अपनी हज़ार जन्मों की कुर्बानियाँ, शायद तब भी पूरा ना हो सके क्योंकि इसकी कीमत है 350 करोड़ रुपए। दोस्तों इस फ़ोन में कोई डायमंड गोल्ड कुछ नहीं लगा है और इस फ़ोन को जो चीज़ 350 करोड़ की बनाती है और स्पेशल बनाती है वो है कि हर फ़ोन में आता है एक सिंगल पीस। जी हाँ दोस्तों, हर फ़ोन की बैक पे एक सिंगल पिंक डायमंड लगा हुआ इस फ़ोन में आपको मिलेगा। बस एक पिंक डायमंड होने की वजह से इस फ़ोन की कीमत है 350 करोड़ रुपए। मतलब असल में जो कीमत है वो फ़ोन की नहीं, वो इस पिंक डायमंड की है, जो मेरे ख्याल से काफ़ी रेयर और यूनिक होगा। दोस्तों यही पिंक डायमंड इस आईफोन 6 की कीमत को 20 हज़ार से बना देता है 350 करोड़ रुपए। तो भैया आपको सबसे अच्छा फ़ोन कौन सा लगा और ऐसा कौन सा फ़ोन है जो आप चाहते हैं कि आपका दोस्त आपको गिफ्ट करे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये थे वो पांच टॉप फ़ोन जिनकी कीमत सुन के आप सभी रह गए होंगे दंग, और साथ ही साथ मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कितने जन्मों में लगता है कि आप इनमें से कोई भी एक फ़ोन खरीद पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो से आप रह गए होंगे दंग। अगर दंग रह गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों अब लूँगा आपसे इजाज़त, मिलूँगा कल फिर एक नई अपडेट, एक नई खबर के साथ। तो चलता हूँ, जय हिंद और वंदे मातरम।